Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Scientific approach in chemistry. Scientific approach आपने biology में भी पढ़ा होगा, physics में भी पढ़ा होगा और अब हम chemistry में भी पढ़ेंगे. Scientific approach in chemistry से क्या मुराद है? जो हमारे natural phenomena हैं, जो daily life में हम देखते हैं, जैसे कि plants का grow करना, या sunlight का earth तक पहुंचना, ये सारे एक ऐसे natural phenomena हैं जिनको अगर हम observe करें, तो हमारे mind में एक question बहुत सारे बल्कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें साइंटिफिक अप्रोच देती है, यानी कि हम किन मेथड से रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं, किन मेथड से हम जो है वो अपना जो क्वेश्चन है या अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो सब साइंटिफिक अप्रोच से फाइंड आउट हम कर सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है स्टेप ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन किस तरह से हम करते हैं कि हमें जो है वो हाइपोथेसिस क्लियर मिले. ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ टू सी, ऑब्जर्व मतलब टू सी. हम किसी भी चीज को क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, क्रिटिकली देखते रहें कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहे हैं, या फिजिकली ये चीज हमें किस तरह से नजर आ रही है, इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, इसका साइज क्या हो सकता है, इसका वेट क्या हो सकता है. ये सब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन में काउंट होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्रिटिकली विजन में लाएं या एक सिस्टम के अंदर लेकर आए और उसे हम जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली जो है वो डिस्क्राइब करते हुए या देखते हुए हम उसको रहें, तो वो उसके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा. और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. जैसे एक अगर हम फ्रंट से कोई शख्स किसी चीज को देख रहा है तो जो बैक से इसको देख रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, और जब फ्रंट से उसे देख रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, तो ऑब्जर्वेशन गैप आ जाएगा दोनों के बीच में. इसके बाद आ जाता है सेकंड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिकली होता है इंटेलिजेंट गैस, यानी कि ऑब्जर्वेशन को क्रिटिकली करने के बाद जब हम सारी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं और जो हमें रिजल्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास बनती है कि अगर हम फॉर सपोज किसी भी एक स्केल को या किसी भी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसकी लेंथ शायद 2 मीटर हो और उसकी जो विड्थ है वो शायद 30 सेंटीमीटर हो, या इस तरह की कोई भी क्रिटिकल उसकी जो हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं उन सबको कंबाइन करके, उन सबको कलेक्ट करके हमारे पास जो गैस बनेगा उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. थ्योरी जो होती है वो होती है एक हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सेप्ट कर ले या हाइपोथेसिस को हम प्रोसीजर में लिए हैं कि ये बात पॉसिबल है या ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो उसे हम जो है वो थ्योरी में काउंट करते हैं. जैसे एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हमें कोई हाइपोथेसिस क्लियर नजर आए कि ये हाइपोथेसिस ऑथेंटिक है तो उसे हम थ्योरी में काउंट करते हैं. थ्योरी वैलिड नहीं होती, थ्योरी कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है. अगर आपको इस थ्योरी से ज्यादा कोई जो है वो रिलायबल या इस थ्योरी से एक थ्योरी से जो है वो थोड़ी डिफरेंट और थोड़ी रिलायबल जो थ्योरी अगर आपको मिल सकती है या कोई चेंजेबल थ्योरी आपको मिल जाती है तो वो थ्योरी रिप्लेस कर सकती है पहले वाली थ्योरी को. जब थ्योरी को हम बार बार टेस्ट करते हैं और सारे जो है वो सही आंसर्स आते हैं और तमाम आंसर्स मैच करते हैं, तो उस थ्योरी को हम साइंटिफिक लॉ में चेंज कर लेते हैं. साइंटिफिक लॉ जो होता है वो एक ऐसा लॉ है जो कि चेंज नहीं हो सकता और वो दोबारा दोबारा मतलब बार बार टेस्टेड लॉ होता है, जिसकी जो सारी रीडिंग्स है सारे रिजल्ट्स हैं वो मैच करती हैं. और ये एक माने वाला लॉ होता है जिसे जिसमें कोई चेंज या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. यू कैन आस्क योर एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो ऑन आवर ईमेल. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर फेसबुक. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल.